जिम का ये है कि जैसे आज मैंने किया ना, आज मैंने बॉलिंग की है, बैटिंग और स्प्रिंटिंग जिम, इससे पहले दो दिन किया था, आज जिम नहीं करूँगा, अब कल जिम और बॉलिंग, फिर एक दिन बॉलिंग, फिर स्प्रिंटिंग, फिर जिम छोड़ के एक दिन, ऐसे दोनों का ब्रेक, एक दिन रनिंग, एक दिन बॉलिंग, फिर एक दिन जिम, एक दिन बॉलिंग, इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सलमान हसन ऑफिशियल, और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं पाकिस्तान का एक मायानाज बॉलर, नहीं बॉलर, लेफ्ट हैंड से छा जाने वाले, लेकिन हालिया दिनों में इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया, आपको समझ आ गया होगा, मोहम्मद आमिर मेरे साथ मौजूद हैं, आगे आ जाते हैं हम थोड़ा सा। आमिर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आमिर क्या चल रहा है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी है और अपनी प्रैक्टिस जो है वो नहीं छोड़ी है बिल्कुल भी, कोचिंग शोचिंग भी कुछ स्टार्ट कर दी है क्या? अभी तो मुझे खुद सीखनी है क्रिकेट, अभी सीखनी है, अभी सीखनी है। क्रिकेटर जो है वो कभी भी कंप्लीट क्रिकेटर नहीं होता, उसको वसीम भाई का हमेशा कहते थे कि मैं आज भी अपने आप को कंप्लीट बॉलर नहीं कहता। क्रिकेटर हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ सीखता है, वो चाहे जूनियर हो सीनियर हो, कहीं ना कहीं सीखता रहता है। दूसरा ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दी है, लेकिन नॉर्मल तो खेलता रहूँगा, और क्रिकेट हमारा पैशन है, और आज मैं DHFA सिक्स स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आया, तो मैंने कहा इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं तो वाई नॉट के यूज़ किया जाए। मज़ा आया यहाँ पर, मैं देख रहा था आप बलूचिस्तान से खेलने वाले प्लेयर हैं अजीम डार, उनके साथ जो हैं वो भी आप प्रैक्टिस करें। अजीम आप भी इधर ही आ जाएं यार, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। अजीम जो हैं उन्होंने अभी बॉलिंग भी कराई है मोहम्मद आमिर को, और इन्होंने जो है वो बैटिंग भी की है, तो मोहम्मद आमिर इनको बॉलिंग करा रहे थे, तो ज़रा मैं पहले ज़रा आमिर से पूछूँगा। आमिर आपने बड़े छक्के छक्के लगा दिए यहाँ पे ग्राउंड में, तो हमने देखे हैं आपको शॉट्स खेलते हुए, हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस इन दिस एकेडमी, और यहाँ पर अब आपकी क्या मसरूफियात रहेंगी? देखिए इसका क्रेडिट तो कर्नल सलीम साहब को जाता है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप यहाँ की आके फैसिलिटीज़ को देखें ज़रा, तो टू बी ऑनेस्ट, और ये डेवलपमेंट अभी चल रही है, और आई होप कि मुझे जो लग रहा है जो फैसिलिटीज़ मैंने देखी हैं, जो इनका प्लान देखा है फ्यूचर प्लान, आई थिंक पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होगा, और यहाँ पर आके यंगस्टर्स जो हैं वो आके अपना जो भी उनका प्लान था, यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जिमनास्टिक है, जिमनेजियम है, और क्रिकेट की फैसिलिटीज़, ग्राउंड आप देख रहे हैं, फ्लड लाइट्स लगी हैं, मुझे नहीं लगता कि लाहौर में ऐसा सिस्टम होगा, और ये आई थिंक क्रेडिट जाता है DHA को भी और कर्नल सलीम साहब को भी, जैसे आप उनके ये उनके बेटे हैं, बिल्कुल हाँ जी उनके साहबजादे हैं, माशाल्लाह क्रिकेट का इनको वैसे ही जुनून है फैमिली को, और ये आई थिंक इनकी इन्वेस्टमेंट है, ये क्रेडिट जाता है इनको। अच्छा आमिर, अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं नज़र आएंगे, तो एक सवाल वो किया जाता है ना कि ये आखिरी फैसला आपका? ये देखिए मैंने बड़ी सोच समझ के किया था, मैं अब क्योंकि रोज़ बात करना अजीब सा लगता है, खुद बंदा जैसे शादी के लिए पूछते हैं ना कबूल है कबूल है, तो कहते हैं कि जी अपना फैसला करो, किसी के दबाव में आके किसी के नहीं, मेरा टू बी ऑनेस्ट अपना फैसला था, और जो मुझे लगा कि मैं इनके साथ नहीं चल सकता एज अ क्रिकेटर, क्योंकि मैं आई ऑलवेज बिलीव कि जिस प्रोफेशन में अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपका माइंड सेट वहाँ पर वहाँ के मैनेजमेंट से मिलता नहीं है, तो आई थिंक आपको वहाँ से साइड लाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि बजाय कि चीज़ें ख़राब हों आप खुद साइड पे हो जाएँ, तो मुझे लगा कि चीज़ें ख़राब होंगी, ना मैं उनके प्लान में आ रहा हूँ ना उनकी समझ में आ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे साइड पे हो जाना। लेकिन अब आप जो हम देख रहे हैं फ्यूचर क्या है आपका, कि एक तो ज़ाहिर क्रिकेट तो अपनी जो नेशनल क्रिकेट है वो तो जारी रखेंगे ना आप, और साथ साथ यहाँ पर कोचिंग भी हमें करते दिखाई देंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, कर्नल साहब ने मुझे इनवाइट किया था, कर्नल सलीम साहब ने बोला था कि यहाँ पे बच्चों के लिए वो क्रिकेट एकेडमी का भी प्लान कर रहे हैं, तो वाई नॉट के यंगस्टर्स को जो है वो सिखाया जाए, जितना हमने सीखा है क्रिकेट से वो जितना भी हम आगे कन्विंस कर सकें वो बेहतर है, और एज अ मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि जो इल्म होता है उसको फैलाना चाहिए, और तो यही सोचकर तो वकार यूनुस भी कोचिंग कर रहे थे, तो आप भी वही काम करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? देखिए हर बंदे का माइंडसेट डिफरेंट होता है, भाई बॉलर्स तो एग्रेसिव होते हैं ना, प्लेयर को मैनेज करना एक आर्ट है, और वो हर किसी के हाथ में नहीं होता। क्या एक ऐसा प्लेयर जो खुद भी एग्रेसिव बॉलर रहा हो, जिसने जो है ना वो विकेटें उड़ाई हो, और ग्राउंड के अंदर वो जो है वो करता दिखाई दिया हो, ठीक है, वो हैंडल कर सकेगा?
देखिए ये माइंडसेट की बात है, और आपको जब आप कोचिंग सिस्टम में आते हैं या मैनेजमेंट के सिस्टम में आते हैं तो सबसे पहले आपको यही सीखना होता है कि अगले प्लेयर से काम कैसे लेना है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको प्यार की जुबान समझ आती है, कुछ प्लेयर होते हैं थोड़ा सा हार्ड, आपको कौन सी हार्ड जाना हार्ड आना होता है, आपको प्यार की जुबान समझ मुझे देखिए जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है ना वहाँ वो बहुत जरूरी है हर प्रोफेशन में, वो कहीं भी क्रिकेट नहीं है, वो किसी भी आप जॉब में चले जाएं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो फर्स्ट आती है, वो प्रायोरिटी होती है आपकी, अगर वो नहीं होती तो आपको काम करने का मजा नहीं आता और वहाँ से आपको साइडलाइन हो जाना। ठीक है अच्छा, लेकिन एक थोड़ा सा एक मैं आमिर से ज़रा क्योंकि फ़ायदा उठाते हैं, एक तल्ख सवाल अगर इजाज़त दें, बल्कि क्या दें इजाज़त हम खुद ही कर लेते हैं। आमिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और ख़ासकर ज़ाहिर है जो आपके मतलब यानी कि एक्स कोलीग्स हैं बॉसेज हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्रिकेटर्स भी जो है ना वो एक्स क्रिकेटर्स जो अब तजियाकार बन चुके हैं ज़ाहिर स्पोर्ट्स के, वो ये कह रहे हैं कि आमिर को इतना सपोर्ट किया पीसीबी ने कि जब ये सारा 2010 वाला जो एक स्पोर्ट्स का जलजला आया था, ठीक है, और उसके बाद आमिर को इतना सपोर्ट किया और आमिर को हमने कम बैक कराया और उसकी हमने जो है वो दोबारा से उसकी एक तरह से रिहैब किया है ज़हनी तौर पे, और आमिर ने आखिर में आके काम किया कि जी इतना सब कुछ करने के बाद जो है वो एक बल्कि यूं करके ठेंगा दिखा दिया पीसीबी को, ये क्या है आमिर? ये देखिए ये जो एक तो पहले मैं वही कह रहा हूँ फिर बात लंबी हो जाती है, फिर कहेंगे कि जान के बोली जा रहा, चले ये बता दें क्या ये किसी एक शख्स की वजह से है या ये ओवरऑल पूरी जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? जो मेरा मसला था बॉलिंग कोच और जो कोच है मेरा, और पीसीबी से कोई मसला नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ ना मेरा एहसान मानी साहब से कोई मसला है, ना वसीम खान साहब से कोई मसला है, इवन मेरे टीममेट्स सब ओके हैं, सबसे अच्छी फ्रेंडशिप है। मुझे लगा कि उनके प्लान में भी ना नहीं आता मैं, और नहीं अगर मैं देखिए 35 लड़कों में ना आना मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, अगर मैं 35 लड़कों में नहीं आता तो फिर मुझे खुद अपना भी तो सोचना है, 28-29 साल का हो गया, फास्ट बॉलर की क्रिकेट 33-34 तक होती है जो पीक की exactly, और आपने तो अभी अगर 259 विकेट्स तो आपने इंटरनेशनल तो अगर आप साल दो साल में यही लगे रहे कि 15 में आना है या 35 में आना है या नहीं आना, तो ऐसा क्योंकि देखिए क्रिकेट हमारी ब्रेड एंड बटर है, तो आपको अपना प्लान बी भी देखना होता है कि अगर मैं इनके प्लान में नहीं आ रहा तो मैंने प्लान बी क्या करना है, तो फिर आप विदाउट के आप टाइम वेस्ट करें, तो आपको अपना प्लान पता होना चाहिए कि यार ठीक है मैं साइड पे हो जाता हूँ मैं कुछ अपना कर लूँ, तो मुझे वो बेटर लगा। देखिए मेरी अब कोई लड़ाई नहीं है किसी से, मुझे जो लगा था कि मुझे ये लोगों को बताना चाहिए वो मेरी सिचुएशन ये है, तो मैं इसलिए क्रिकेट से साइड पे हो रहा हूँ। अच्छा ये बता दें बस आखिर में कि कोई वो कहते हैं ना कि बैक चैनल रबते कोशिश हो रही होती है कि आमिर को किसी तरह, वैसे तो सामने कह दिया कि ठीक है जी थैंक यू वेरी मच, लेकिन पीछे से मनाने की कोशिशें हो रही होती हैं कि यार आ जाओ यार कोई मसला नहीं है, तुम फैसला वापस लो हम तुम्हें वेलकम करेंगे। नहीं ऐसा कोई ऐसी सीन नहीं है, अभी तो उनकी सीरीज चल रही है, उनको एंजॉय करने दे, अल्लाह करे पाकिस्तान वहाँ पे परफॉर्म करे, टेस्ट सीरीज आखिरी मैच में तो परफॉर्म कर दिया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, रिजवान बहुत अच्छा खेला है, और देखिए यही है जब चीज़ें सही हो रही होती हैं और फिर चीज़ें खुल के भी सामने आती हैं, लेकिन अच्छा है कि पाकिस्तान, देखिए मेरी हमेशा सपोर्ट है अपने प्लेयर्स के साथ, टीममेट्स के साथ, मेरा उनके साथ भी नहीं, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी हम पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं सोच सकते अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा बिलीव ये है कि क्योंकि हम इस कंट्री से, सब कुछ इस कंट्री से हमें मिला हुआ है, हमारा नाम जो आज मोहम्मद आमिर है वो पाकिस्तान की वजह से, और वर्ल्ड में मैं कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी कोई लीग खेलूंगा, कुछ भी खेलूंगा, पाकिस्तानी ही पहचाना जाऊंगा, मोहम्मद आमिर पाकिस्तान से, कोई ये नहीं होगा कि वो दुबई से है या इंग्लैंड से, तो एज अ पाकिस्तानी हमें प्राउड है, और जो भी मेरे प्लान्स होंगे अल्लाह उसमें चले, अल्लाह मुबारक करे। जाते जाते एक ज़रा पैगाम जो नौजवान जो आपको फॉलो करते हैं, आपके जो फैंस हैं, आपके दीवाने हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए उनका यही है, हमेशा से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया और आज तक करते हैं, और हर डिसीजन में उन्होंने मुझे, इवन मैं सोशल मीडिया पे उनके मैसेजेस वगैरह देखता रहता हूँ, और उनका मैं थैंकफुल हूँ कि हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, दुआ किए, और आई होप कि मुझे इस डिसीजन में भी वो सपोर्ट करेंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे कि फ्यूचर में जो भी मेरे प्लान्स हैं उसमें अल्लाह मुझे कामयाब करे। और दूसरा ये कि मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती इंसान की, और उसका ख्याल इंसान ने खुद ही करना होता है, बाकी जो आप नेक नीति से काम करते हैं अल्लाह आप में उस काम में बरकत डालता रहता है। ठीक है, थैंक यू आमिर, बहुत शुक्रिया, और आमिर आप कंटिन्यू कीजिए, मैं ज़रा यहाँ, ये हमारा टैलेंट है, मोहम्मद आमिर जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि टैलेंट होता है, उस टैलेंट को जिसे कहते हैं ना कि जौहरी जो है वो कदर करता है, उसे हीरे का पता होता है। ठीक है, तो जौहर शनास होना चाहिए आपको, और कोशिश ये करनी चाहिए कि तरीके से प्यार से हैंडल करके जो आपका टैलेंट है उसको संभालें, उसको इंटैक्ट रखें, ये एसेट्स होते हैं, इन एसेट्स को आप खो देंगे
तो फिर नुकसान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का ही होगा, किसी एक फर्द वाहिद का नुकसान नहीं होगा। तो ये यकीनन सोचने की बात है। मैं यहाँ पर मौजूद रहा, आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे सलमान हसन ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले दिनों में भी आपके लिए मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।